हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द नेस्ट एंड मैंगो चैनल। दोस्तों, मैं रामकेश स्वागत करता हूं आपका नेस्ट एंड मैंगो चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 10, जिसमें हम लोग सीखेंगे कोलिजन के बारे में, जिसमें दो पार्ट होते हैं, ऑन कोलिजन एंड ऑन ट्रिगर। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर कोलाइडर पे स्पेशली एक टॉपिक आप चाहते हैं कि कौन सा कोलाइडर कहाँ पे यूज करना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था किस तरह से आप किसी गेम ऑब्जेक्ट का टैग लगा सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि टैग का क्या यूज होता है। तो दोस्तों, टैग का यूज हम लोग करते हैं किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को मार्क करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने टैग लगा लिया था स्टार का, डायमंड का और बॉल का। आज हम लोग इन टैग का यूज करेंगे, किस तरह से इन टैग का यूज करके हम लोग अपने गेम को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बेसॉर के थ्रू अपना फोन इसमें दिखाना चाहता हूं ताकि हम लोग आसानी से देख सके। Redmi 4 View। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है, मैंने रिमोट 5 को ओपन कर लिया है और मेरा फोन मेरे पीसी में दिखाई दे रहा है। तो चलिए, अभी हम लोग फिलहाल के लिए इसे साइड में रखते हैं और एक बार प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो पिछले वीडियो में हमने जस्ट डायमंड और स्टार ऐड किया था, और ये देखिए इस तरह से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा सलूशन है। आप देख रहे हैं कि जो बॉल है वो हमारी वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका सलूशन ये है कि आप बॉल स्क्रिप्ट में जाके आपने जो आरबी डॉट जो फंक्शन लिखा है, जिसमें आपने लिखा है इनपुट डॉट एसोलेशन डॉट एक्स डॉट वाई, तो उसमें इनपुट एसोलेशन डॉट वाई के प्लेस पे आपको 0F करना है, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी आप इसकी प्रॉब्लम को से फेस कर रहे हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट इतने लिखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बॉल सही से मूव कर रही है, बट ये क्या हुआ कि जब मैं स्टार से होके जा रहा हूँ तो मैं इसे क्रॉस कर जा रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार एक सॉलिड थिंग है जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, और ये डायमंड के साथ भी हो रहा है। तो दोस्तों, आप जब भी कोई 3D ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसको सॉलिड बनाने के लिए जरूरी है कि आप उस पर कोलाइडर यूज करो, और यूनिटी में अलग अलग कोलाइडर होते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स थिंग होता है उस पर हम लोग मेस कोलाइडर का यूज करते हैं। पर दोस्तों, मैं बता दूं, मेस कोलाइडर प्रिमिटिव कोलाइडर नहीं होता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि मेस कोलाइडर का कम से कम आप यूज करो। तो आप स्टार और डायमंड पे मेस कोलाइडर लगा लो, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। आप इन पर बॉक्स कोलाइडर भी लगा सकते हो, और ये मैं बॉक्स बॉल की स्पीड में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, और स्टार और डायमंड पे मैंने कोलाइडर लगा लिया मेस कोलाइडर। और कोलाइडर पे मैं एक वीडियो निकालना चाहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो मूवमेंट में जो मैंने बताया था कि आप वाइप की प्लेस पे 0 रखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार है, और स्टार में मेस कोलाइडर यूज किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स दिया हुआ है। इन चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। जब आप कॉन्वेक्स करते हो तो दोस्तों, जितने भी साइड होते हैं या जितने भी वर्टेक्स होते हैं, वो एक दूसरे से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं एज अ कोलाइडर। आप इस पे डायमंड पे भी देखेंगे इस तरह से कॉन्वेक्स करके, तो जितने भी वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड हो जाते हैं। आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में जिस तरह से हमारा स्टार है वैसे ही है, बट जब हम इसे कॉन्वेक्स कर रहे हैं तो जितने भी वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसी रिक्वायरमेंट हमें कभी कभी पड़ती है, बट हमें वर्टेक्स को जस्ट नॉर्मली रहने देना है, तो हम वर्टेक्स पे क्लिक का नहीं करेंगे। तो आपको बॉल वाली स्क्रिप्ट में जाना है, और वहां पे आपको ऑन कोलिजन इंटर लिखना है। दोस्तों, ऑन कोलिजन इंटर, ऑन कोलिजन एग्जिट,
ये दो मेथड होते हैं कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। जब हम पहली बार टच होते हैं किसी गेम ऑब्जेक्ट से तो ऑन कोलिजन एंटर होता है, और जब लास्ट बार उससे हम लोग उसको लीप करते हैं तो ऑन कोलिजन एग्जिट कॉल होता है। और दोस्तों इसमें और भी है, ऑन कोलिजन इन ट्रिगर भी है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पे वर्क करते हैं ऑन कोलिजन इंटर पे। तो चलिए मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और इस स्क्रिप्ट को आपको समझना है क्योंकि ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें आप ये स्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि जो पैरामीटर है वो है कोलिजन का कोलिजन। तो जब भी आप ऑन कोलिजन इंटर या ऑन कोलिजन एग्जिट करते हो तो पैरामीटर में आप कोलिजन पास करते हो, और जो भी आप उसका रेफरेंस बनाते हो उसको कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग। अब आपको देखना है कि आपने स्टार का टैग क्या लगाया हुआ है। ओके, तो स्टार का टैग हमारा है स्टार एज कैप्टन। तो जस्ट आपको सेम टू सेम टाइप करना है, अगर टैग सही रहेगा तभी आपका कोड वर्क करेगा। और उसके बाद दोस्तों डीबग कर लेना है कि क्या इफ के अंदर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा, डीबग डॉट लॉग, इसको आपको हमेशा याद रखना है। डीबग का यूज करके, डीबग डॉट लॉग यूज करके हम कोई भी मैसेज प्रिंट कराते हैं। और दोस्तों डेवलपमेंट में आप डीबग का यूज बहुत करते हो, आप चाहे एंड्रॉयड पे काम करो, अच्छा गेमिंग पे काम करो, या किसी भी डेवलपमेंट फील्ड में काम करो। तो ये था हमारे स्टार के लिए कि अगर स्टार से जब कोलाइड होगा तो हमारा ये मैसेज आना चाहिए। अब दूसरा मेथड ए है, दूसरा फंक्शन ए है कि इफ के अंदर आपको कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट एंड देन उसके बाद उस टैग का नाम डालना है। तो गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इक्वल इक्वल, यहाँ पे हम लोग डायमंड का टैग यूज करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं क्या स्पेलिंग लिखा था हमने डायमंड। तो मैंने इसे डायमंड कर लिया। ओके फाइन, अब सेम मैसेज हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा प्रोजेक्ट छोटा है, बट फ्यूचर में हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ें यूज करें। तो जरूरी है कि अगर आप गलती फाइंड करना चाहते हो तो आप उसको हमेशा डिबग कराते रहो। तो ये बताता रहेगा कि हमारा कोड जब टकरा रहा है डायमंड से या स्टार से तो क्या वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑन कोलिजन इंटर में, हमने इसे लगा लिया है। चलिए एक बार गेम को प्ले करते हैं और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कोलाइडर ऐड कर लिया है। और ये भी देखेंगे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो मेथड्स जो हैं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमारा मैसेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए हम लोग इस स्टार से कोलाइड हो रहे हैं, स्टार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वह कोलाइडर लगा हुआ है, उस पर कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है जिसकी वजह से कोई फिजिक्स काम नहीं कर रहा है। सेम टू सेम वही वर्क होगा डायमंड के साथ, बट हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि जब भी हमारा बॉल स्टार या डायमंड से कोलाइड हो तो हमारा स्टार और डायमंड दोनों डिसअपीयर होना चाहिए। बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट ये देख सकते हैं कि हमारा कंसोल पे कुछ मैसेज प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टार और डायमंड चल रहा है। ओके, अब दोस्तों दूसरा जो मेथड मैं बता रहा हूँ, जो फंक्शन बता रहा हूँ, उसका नाम है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में आपको सेम लिखना है कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कोलिजन मतलब जिससे कोलाइड हुआ, और डॉट गेम ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट, और उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं, तो ये दोस्तों कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप कुछ टाइम देते हो 0.1 दे सकते हो 0.3, तो ये बहुत ही अच्छा यूज माना जाता है गेम डेवलपमेंट में।
तो मैंने उसे इस तरह से टाइम दे दिया और डायमंड पे किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसे रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए अभी क्या हुआ कि स्टार से जब हम टकराए तो स्टार गायब हो गया। ओके, बट दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जब स्टार गायब हो रहा है तो हमें थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि हम कोलाइड कर रहे हैं, बल्कि यूजर को जो गेम प्ले कर रहा है उसको ये फील नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स करने पे हमारा इस तरह से शेप मिल रहा है। डायमंड पे भी जो हम इस तरह से कर रहे हैं कॉन्वेक्स, तो उसपे भी सेम टू सेम ऐसे वर्टेक्स मिल रहे होंगे। तो दोस्तों अभी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम स्टार से टकरा रहे हैं तो हमें कुछ कोलिजन का एहसास हो रहा है, बल्कि हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम जब उससे टकराएं तो हमें फील ना हो कि हम कोलाइड कर रहे हैं किसी चीज से। जब आप गेम खेलोगे तो आपको एहसास हुआ होगा। तो हम चाहते हैं कि ऑन ट्रिगर का यूज करना दोस्तों। तो उसके लिए आपको जो कोलाइडर आप यूज करते हो उस पर आपको चेक करना है, इस ट्रिगर को ऑन कर देना है। जैसे कि मैंने इसमें देख सकते हैं आप कॉन्वेक्स के नीचे इस ट्रिगर को ऑन कर दिया है मैंने। ट्रिगर का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकते हैं। तो आपको उसके लिए ऑन ट्रिगर इंटर का और ऑन ट्रिगर एग्जिट का यूज करना है। तो जस्ट मैं स्पेलिंग के लिए इसको नीचे लिख लेता हूं और जस्ट यहां कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो दोस्तों जैसे ऑन कोलिजन इंटर था, ऑन कोलिजन एग्जिट था, उसी तरह ऑन कोलिजन ट्रिगर का था। यानी कि जब आप चाहते हो कि उसके अंदर कोई भी कोलिजन ना हो, जस्ट आप उसे डिटेक्ट करो और उसको हमारा गेम ऑब्जेक्ट आर पार कर जाए, तो उसके लिए हम लोग ऑन कोलिजन इंटर का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग गेम प्ले करते हैं और इसके साथ क्या हुआ। ओके, तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमने जो ऑन कोलिजन इंटर लिखा है उसकी स्पेलिंग भी सही है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हम लोग जब ऑन ट्रिगर का यूज करते हैं तो हमें कोलाइडर का पैरामीटर पास करना होता है। तो जस्ट मैंने उसे कोलाइडर किया और आपको भी ऐसे ही करना है। और अब हमेशा याद भी रखना है कि ऑन कोलिजन ट्रिगर में जो हम लोग करते हैं वो कोलाइडर का यूज करते हैं। तो देख सकते हैं स्टार गायब हो गया, उसको पार भी कर गए। और ये डायमंड की बारी, तो डायमंड पे हमने अभी कोड नहीं लिखा है डिस्ट्रॉय होने का, तो डिस्ट्रॉय का कोड हम लोग डायमंड भी करते हैं पेस्ट। और ये हमारा कोड हुआ, तो अब सही तरीके से वर्क करना चाहिए। तो चलिए एक बार और प्ले करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इस गेम को आगे बढ़ा सकते हो। चलिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं कि एक गायब हो गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको कोलिजन ऑन कोलिजन ट्रिगर के बारे में समझ में आया होगा, कोलिजन क्या है, ट्रिगर